तो सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों, डॉक्टर प्रीतम सिंह ब्लॉक सब आ गए हैं कूड़ी बड़ी। और कूड़ी बड़ी से यह जो आपको मैं चौराहा दिखा रहा हूँ, यहाँ से यह एक रास्ता जाता है प्रतापपुरा की तरफ। जब सीकर से हम आते हैं तो राइट साइड में जस्ट कूड़ी बड़ी से जैसे एंड होता है, तो आज प्रतापपुरा गाँव का अब आपको विजिट कराते हैं, देखते हैं हमें आगे क्या मिलता है रैंडम सर्वे में। बने रही है DPSP के साथ में। वो द्रुत गति से जो अध्यापिकाएँ अपने स्कूल की जिम्मेदारी निभाने के लिए जाते हुए, यह है मेरे प्यारे दोस्तों सुबह का जीवन। और बेटा क्या हाल है? बहुत बढ़िया। और देखिए यह है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो यह बनाई गई है एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर। इसका जो है राधा स्वामी धर्म का अंतिम स्थल, अंतिम यात्रा जहाँ पर पहुँचती है सबकी, इसको भी नमन। और यह हम अब प्रतापपुरा की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, देखते हैं प्रतापपुरा में हमें क्या मिलता है। सघन हरियाली है और यह देखें आप प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय है। और ये यहाँ पे देखें आप एक बालाजी गौशाला समिति भी बनी हुई है। अब आगे हम जैसे जैसे चलते जाएंगे शायद प्रतापपुरा गांव आने के संभावनाएं बढ़ेंगी। चलिए ओके, थैंक यू। यह प्रतापपुरा 500 मीटर आगे बता रहे हैं भाई साहब। देखिए ये सुबह का जीवन लोगों का। यह एक मंदिर बना हुआ है बालाजी का, बालाजी की ध्वजा, जय श्री बालाजी। तो यह है प्रतापपुरा गांव जो कि कूड़ी से जस्ट आगे है स्थित है, मतलब कूड़ी से वैसे 1 किलोमीटर ज़्यादा आगे नहीं है। ये देखें आप अब आगे क्या मिलता है, वो तो हम आगे इसके अंदर एक्सटेंड करेंगे जब पता लगेगा कितना बड़ा। प्रतापपुरा यही है क्या आगे? ये तो कूड़ी है, ये मस्जिद है यहाँ है ना। कौन सा बस? कौन सा बस है? नारायण का पास। कौन सी क्लास में आप? वेरी गुड बेटा। क्या सब्जेक्ट है आपके पास? सब्जेक्ट आर्ट। तो ये कौन से स्कूल में, इसी में जाते हो क्या आप? अच्छा अच्छा, कितने तो यार साइंस नहीं है क्या यहाँ इसमें? आर्ट ही है। आर्ट से है क्या? तो टाइमिंग्स क्या रहते हैं आपके आजकल स्कूल के? तो अभी जो स्पोर्ट्स वगैरह का चल रहा है यहाँ पे नहीं है? खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान। चलो चलो ठीक है भाई, बात करने के लिए थैंक यू। यह एक शहीद का स्मारक बना हुआ है, नारायण का बास बता रहे हैं। शहीद स्मारक है शरवण कुमार महला, ग्राम प्रतापपुरा। ये शहीद हैं और ये शहीद शरवण कुमार राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय है प्रतापपुरा का। ये देखें आप अब ये आ गया हमें आगे एक अंडर पास रेलवे वाला। चेतावनी दे रखी है आप, चेतावनी पढ़ के आगे घुसे भाई साहब, पानी भरा हुआ हो ना तो मत जाए इसमें। ये आ गए हम वहाँ पे निकल के अंडर पास से प्रतापपुरा की ओर आगे जाते हुए। तो ये तो नारायण बास, नारायण का बास जो कि कूड़ी गांव के अंदर आता है कूड़ी बड़ी। और यार एक्चुअली में इनका क्या जोग्राफिकल क्या डिस्ट्रीब्यूशन है ये तो नहीं पता, पर पास में तो कूड़ी बड़ी में ही होना चाहिए। वहाँ आ चुका है सुबह सुबह। वाव यार, ये तो बड़ा ग्रीनरी से भरपूर एरिया है प्रतापपुरा का। देखते हैं आगे कोई मिलता है तो चर्चा करेंगे इनसे। भाई साहब एक बैठे हैं दुकान पे। सौ सवा सौ मैं तो एक बार अठिनू गए हो का नाम अटे था बहुधाम आयो, तो बहुधाम से फिर उरली साइड से गयो। सड़क तो आ कोई प्रधानमंत्री योजना में कोई बनाई दी है ना, क्वालिटी की ठीक है भैया। दूसरी सड़क आसू तो अगर तक गाँव की कोई खास चीज बता सको जो कोई लोग बाग बारह सो आर देख सके कोई हाल की चीज। ये तो बोली वो बाबा जी क्यों लगे तो वही है लोग बाग तो चौका ही के। हाँ गांव की खास बात जो मतलब दुनिया कोई वीडियो बनाऊं। सीकर जिले का पहलो गांव है जगह के माय आबादी पहली जति गांव बसो ने बड़े एक ही घर बने। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और खासियत है। हाँ। मतलब जो पुरानी आबादी है बट अभी में एक भी घर को नहीं, घर को नहीं है मतलब मेहनत कौन रहे नहीं मान लो खेता में बिजली वगैरह आ गई रे, बिजली आया के बाद में लोग बाग चलेगा खेता में तो भाई बात हुई होली। हाँ तो फिर बात तोड़ लेर जाना यहाँ ना, यहाँ का दो चार घर जरूर हर गांव में रह रहे हैं लेकिन इस गांव में एक भी। अच्छा सारा ही नहीं, देखो ये तो क्या है का ठाकर के जोड़ो है। हाँ मतलब बंजड़ है। हाँ कैर हो रहे हैं भी गमाए।
अच्छा, तो 1800 1800 जाना पड़ता है। और सारा ही है, डेवलपमेंट हुआ ना, लोग बाग जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, तो इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ में क्या है कि लोग बाग खेतों में चले गए, फिर उसके बाद में कुछ पुराने भवन रह गए, तो मैं आपको कई गांवों में जाके दिखाया करता हूँ, देखिए सब भवनों में ताले लग गए, कुछ की दीवारें टूट गई, कुछ के गेट टूट गए, और लोग बाग जो है सारा फूट का कोई बेलो ही, लेकिन इनका ये कहना है कि भाई उस पुरानी बस्ती को पूरा खत्म कर दिया गया है। पूरे जिले में ही ऐसा है, पूरे जिले में ये है। खास बात पड़ता है पूरा की बड़ी अच्छी हमें देखने को मिली, तो सर इन्होंने बताया कि सारे मकान तोड़ के तोड़ दिए। मैं दिखाता हूँ, जिले में ऐसा गाँव है कि इसमें मंदिर नहीं है, इस गाँव के काकड़ में। अच्छा, इस गाँव के काकड़ में एक भी मंदिर नहीं है, ये सब भाई साहब ने बताया हमें। पुराना नहीं है, अभी तो बन रहा है। अच्छा, नयो है, नारायण के पास में है। हाँ, मैं देखियो बटे बन रही है बिल्कुल। वो तो नारायण के पास में है, प्रताप राय काकड़ में। एक ही बात है, अजी एक ही बात है। तो अब बच्चा कौन से क्लास में हो आप लोग? वेरी गुड यार, स्कूल के टाइमिंग्स क्या है? 7:30। चलो चलो, बढ़िया बेटा बढ़िया, बनाओ यार भविष्य। तो ये है साहब, इस गांव की काकड़ में ना तो मंदिर है कोई, और जो पुराने जो मकान थे ना वो सारे तोड़ दिए गए हैं। ये देखिए एक अच्छी चीज़ है, चलो कम से कम नहीं रह रहे हो तो तोड़ो तो सही यार, ताकि अनैतिक और गैरकानूनी गतिविधियाँ वहाँ पर नहीं हो, जिसकी बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना होती है गतिविधियाँ इस तरह की होने की। तो अब हम चलते हैं प्रतापपुरा की, जो प्राचीन जो निर्माण जहाँ थे भाई साहब जहाँ बता रहे हैं, तो हम आगे चल के देखते हैं क्या स्थिति है। सर पुराने मकान उन्होंने कहा था एक दो पड़े हुए हैं, तो ये मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल जर्जर है, है इसमें तो कुछ लोग रह रहे हैं, लेकिन इस साइड देखते हैं क्या है, इस साइड कुछ है क्या? ना, ये तो बंद हो गया इधर से तो यार, बिल्कुल टाइल्स की सड़कें हैं, लेकिन ये देखिए कि ये जर्जर इधर भी है मकान। दो सीनियर और वृद्ध, मतलब जो वरिष्ठ लोगों ने हमें बताया कि भाई यह इस तरह का गांव है जिसके अंदर पुराना कंस्ट्रक्शन एक भी नहीं है, जो पुराने होते थे ना सारे जो है उनको ज़मीन में मिला गया, जमीन दोज कर दिया गया, कुछ एक आधे बचे हुए हैं। तो ये भी देखिए खास बात हो जाती है किसी चीज़ की, किसी जगह की, है ना। और ये देखिए एक टूटा हुआ है गेट, बिल्कुल सही कह रहे थे वो भाई साहब, ये कोई विशाल फार्म हाउस है यार, बड़ा शानदार, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए यार, ये रहा एक और मकान यहाँ पे, यह भी लगभग जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुँच चुका है। तो यह है प्रतापपुरा गाँव, जो कि खूड़ी बड़ी से जस्ट आगे जो स्थित है। और इसकी खास बात यह है कि इसके कांकड़ के अंदर एक भी मंदिर नहीं है, प्लस एक भी जो है मतलब पुराना जो बसावट के मकान है उनमें सारे तोड़ दिए गए हैं, कुछ भी नहीं बचा है। यह एक वाटर टैंक, और इसके साथ हम यहाँ से यू टर्न करते हैं, यू टर्न करके देखते हैं मैं आगे क्या मिलता वापस। मेन रोड पर यह खेली बनाई गई है यहाँ पर, ये देखिए आप इंटरलॉक जो कहते हैं ना, इंटरलॉक वाली सड़कें बन चुकी है। ये एक पुराना सा मकान देखिए, पेड़ों के झुरमुट के बीच में, बाबा जी सत्य कह रहे थे, एक तो ये रहा मकान, और एक ये देखिए आप इधर, ये कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनी टाइप की खोल दी गई है, और बहुत ही प्यारा सा एक अनुभव होता है इन चीज़ों को देख के। मकियाँ कहा लोग बाग हा पेली गाँव तो, तो अभी तो बाबा जी दो तीन मिले जो बड़े स्टैंड पर अठ बारह बैठे आगे यारो के साहब, बाकी तो पुराना जो मकान है ना, ये पुराना गांव हूँ, बोले सीकर को एक बात गाँव है जी, मैं सारा पुराना मकान ध्वस्त कर दिया गया। सही बात है, अच्छी गई है। तो अब सही कह रहे हैं मतलब, और करनो भी चाहे जी बताऊँ क्यों, क्योंकि क्या है कि जो खाली मकान है ना, हमें डेरों के सही चीज़ों को कौन रहे, और दूसरी चीज़ कोई नहीं रहे तो इस चीज़ की उपयोगिता ही कौन है ना। तो इस सोचो को तो यहाँ है कि भाई या तो बहना हटा दो तो नई चीज बने, मार तो सो उठा ही दियो, तो और नहीं हटाओ तो कोई ना किराया दे दियो, गांव मार तो सो उठा दियो। चलो चलो ओके, मतलब कटे से प्रेरणा मिली लोगों ने, अपना विवेक से हटा दिया के है। मारे चो सिट के मां बिजली कनेक्शन शुरू हुआ खेता का, हां के बाद में सारा किसान इसे आप जो खेता में चल गया। पर एक बात मने यार, एक चीज बताओ थे तो आपने उतरा जी हिसाब में उतरा बड़ा बड़ा मकान है, मान ले 50-50, 60-60, 70-70 साल पुराना है, बिल्कुल है, तो समृद्धि तो बीटम भी खूब ही अपना ये एरिया में, तो एडवांस तो है किसान ही दे।
किसान है, मतलब मेहनत भी टाइम भी करता, मेहनत करता। और अतरा बड़ा जी मकान में अड़ाई है 64-65 में थ्री फेज कनेक्शन, टू फेज तो था ही नहीं, थ्री फेज कनेक्शन खेतों में आ गए किसानों के, ये समझो। तो इतने मतलब उस समय की लाखों की प्रॉपर्टियां तो लोगों ने यूं ही छोड़ दी। हां छोड़, खेत में जाना पड़े तो यहां का करे। तो हिंदुस्तान के अंदर समृद्धि तो है ना, मैं यूं कह रहा हूं। हां ज्यादा है समृद्धि है ना विदेशों से, बारे तो यही रोता पी रहे लोग। सही बात है। चलो ठीक है, ये हमारे को प्रतापपुरा के एक युवा मिले और इन्होंने हमें जानकारी दी कि 64 के अंदर वो शायद थ्री फेज कनेक्शन यहाँ पे आ गया था तब से, और गांव में जाने से जाने के बाद में, अरे वाह, ये मोर ने भी समर्थन किया इनकी बात का, और उसके बाद गांव में चले गए, खेतों में लोग बाग, और ये अबंडन रह गए। तो ये है कुछ कुछ एक आधे बचे हुए। देखिए प्यारा सा मकान, एक बहुत ही पुराना, जो ये सन 1964 से ये छोड़े हुए मकान है, और अब इनको देखिए ध्वस्त किया जा रहा है ताकि इस जगह की उपयोगिता बने और जमीन किसी के काम आए। देखें आप, अति सुंदर, बहुत ही प्यारा, देखिए ये प्रयास है, देखें आप इसको, यह किसी कॉलोनी का निर्माण हो रहा है। देखें आप, यह एक पुराना मकान है, देखिए प्राचीन, बिल्कुल आप हड़प्पा की सभ्यता में आ गए हैं। ये देखिए आप, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो थे ना उस तरीके के आपके यहाँ भी उपलब्ध है। ये देखिए गेट वेट टूटे हुए हैं, और ये एक दीवार, छोटी सी दीवार है, ये देखिए ये भी कुछ अपने इंतजार कर रही है कि भाई कभी इसको हटाया जाएगा। और ये निर्माण कार्य और समतलीकरण चल रहा है ज़मीन का, और ये अपनी SPX आई गई है, और ये एक और मकान है। चलिए अब मेन रोड पे चलते हैं, एक और जर्जर मकान। तो एक अच्छा प्रयास है, अच्छा कदम है कि आप इस जगह को उपयोग कर सकें, क्योंकि वैसे भी देखिए जगह की काफ़ी शॉर्टेज है। ये ब्राउन मैडम ब्लैक, अरे बाबा बाबा ब्लैक शीप, ये बड़ा कैसे हो गया, ये थोड़ा भैंस के जैसे दिख रहा है वैसे ब्लैक भेड़। और ये हम वापस मेन रोड की तरफ जाते हुए, तो ये था प्रतापपुरा का हमारे जो अंदर अंदरूनी, जहाँ पे कोई नहीं रहता, उसका एक सर्वे। आगे अंदर रोड चलते हैं, नई जो बसावट है रोड पे, मेन रोड पे बनी हुई है जो, ये देखिए कोई विशाल एक खेत, बड़ा ही शानदार और सुंदर थैच्ड रूफ, पिंक कलर का, बहुत ही प्यारा अनुभव एक हमारे शेखावाटी के अंदर, शेखावाटी का जो कूड़ी बड़ी के पास स्थित गांव है प्रतापपुरा, उस प्रतापपुरा के आज हमको आपको विजिट करवा रहे हैं सुबह सुबह। और देखिए आप, यह एक और खेली यहाँ पे बनाई गई है पशुओं के लिए, यह एक प्यारा सा बर्ड। और ये स्पीड ब्रेकर पे हमने स्लो कर ली है साइकिल हमारी, हम बने रही है हमारे साथ में। ये आ गया एक नई बस्ती जो है, बहुत ही प्यारा सा अनुभव। जय सियाराम भाई जी, ये देखें आप, ये भी प्रतापपुरा का ये किस्सा है, छोटा सा एक स्थान है पैरू जी का, ये पुराना कुआ है यहाँ पे, यहाँ भी देखिए पीपल वगैरह का पेड़ लग गया है, और बहुत ही शानदार अनुभव है। तो बंद है भाई जी करने के लिए, ये दो युवा हैं और ये आपके यहीं प्रतापपुरा के रहने वाले हैं, इनसे हमने एड्रेस पूछा, इन्होंने बताया ये रास्ता तो आगे जाएगा नरोदड़ा, और आज हमारा थोड़ा सी जाने का प्लान भी है। तो इन्होंने बताया भैया जो आप कभी जो टूटे हुए मकान जहाँ से देख के आए उस रोड से निकल जाओ, तो वहाँ से आप थोड़ा सा जा सकते हो। तो यह है प्रतापपुरा गांव, देख सकते हो आप। तो ये है मेरे भाइयों प्रतापपुरा गांव। अब इस प्रतापपुरा गांव के अंदर हमने, अब ये कह रहे हैं आगे तो चले जाएगा नरोदड़ा, तो नरोदड़ा यहाँ से 6 किलोमीटर है, तो आज नरोदड़ा का तो हम विज़िट करेंगे नहीं। और ये प्रतापपुरा जो गाँव के अंदर हम मेन रोड के ऊपर जो आप दिखा रहे हैं, यह है एक बाजरे का खेत, और वैसे छोटा सा गांव है, ठीक ठाक सा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और सीकर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, और ठीक ठाक सी यहाँ पे बस्ती है, शांत गांव है। और ख़ास बात आपको हमने बताई थी कि भाई पुराने समय के जो है मकान सारे तोड़ दिए गए हैं, ये एक अच्छी चीज़ है कि ज़मीन की उपयोगिता बनाने के लिए उनको हटाया गया है, ताकि उसके अंदर कोई रह सके और उसकी कोई उपयोगिता बनी रहे, क्योंकि ज़मीन की वैसे भी बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये बस्ती ख़त्म हो गई है प्रतापपुरा की, हम वापस यू टर्न लेते हैं और अब निकलते हैं थोरासी के लिए। ये एक जामुन का पेड़ घर में, ये बेटा क्या नाम है यार आपका, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो बेटा? बीएससी नर्सिंग कहाँ से? सीकर में। कौन सी जगह से बेटा? KGM से। चलो चलो बेटा, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? विवेक। चलो आप नर्सिंग कौन सी, बीएससी कर रहे हो क्या? बेटा BSc अच्छे से मेहनत करके और अच्छी जगह अपन प्लेस हो सकते हैं, एम्स वगैरह कई चीज़ें होती है ना। हाँ। तो मन लगा के मेहनत करना विवेक। ओके बेटा। ओके सर। चलो
यह एक विवेक जो सीकर से जाके नर्सिंग करते हैं, देखिए बड़े प्यारे से बच्चे हैं। और अभी शायद पैदल पैदल जाएंगे मेन रोड तक, वहाँ से कोई ना साधन मिलेगा। अच्छा साइकिल चलाया करो यार, साइकिल ले ले। ये देखिए एक पुराना कुआं, वही इसका तो यार रेनोवेशन भी नहीं हुआ अभी तक। ये भी एक हमारी धरोहर है, जो पुराने कुएं हैं जो बड़ी शानदार इनकी मुंडेरें बनाई जाया करती थी। तो यह था प्रतापपुरा गांव, जो कि सीकर से जब हम लक्ष्मणगढ़ जाते हैं तो खूड़ी बड़ी से राइट साइड में हम एक छोटी सड़क निकल जाती, छोटा सा गाँव है। और नारायण का बास और ये सब पास पास है, नारायण का बास में शहीद के नाम से एक स्कूल भी है। और लगभग ये समृद्ध गांव है, तो लोगों बाग जो है सब खेतों में रहने लग गए हैं। तो कैसा लगा आपको प्रतापपुरा गांव का जो विजिट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे, बाय।